फागुनी यादव नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुरविंदर सिंह गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं आज प्लान टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्लान टेबल के जो हमारे आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए हैं, कल की हमारी जो क्लास थी प्लान टेबल के बारे में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप ये कह सकते हैं कि जो कल की क्लास थी वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाली क्लास थी। और जितने स्टूडेंट्स आज वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो कल नहीं देखी थी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि प्लान टेबल की वो एक ऐसी क्लास थी जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वो आपकी, और आपके काफ़ी क्वेश्चंस करने में मदद करेगी। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे प्लान टेबल से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे जरा जितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चंस को देखेंगे, जरा देखें क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है आपको। क्वेश्चन बोला गया है द कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्टेनिंग टू प्लान टेबल सर्वे। हमसे बोला गया है कि इसमें स्टेटमेंट देखना है हमें, और हमें बताना है एट लास्ट कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो देखें जरा यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्टेनिंग टू प्लान टेबल सर्वे। पहला ऑप्शन हमें क्या बोला गया है कि टू पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई मैकेनिकल मेथड। हमसे बोला गया है कि जो टू पॉइंट प्रॉब्लम है उसको हम मैकेनिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि थ्री पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमारे तीन तरीके हैं। कौन कौन से हमारे तरीके थे देखें, जब हम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के हमारे सॉल्व करने के तीन तरीके थे। पहला था हमारा ट्रेसिंग पेपर मेथड, दूसरा हमारा तरीका था ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर। तो ये हमारे तीन मेथड थे। अब जो हमारा ट्रेसिंग पेपर मेथड है, इसी मेथड को हम मैकेनिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें ट्रेसिंग पेपर मेथड का दूसरा नाम, तो इसे हम मैकेनिकल मेथड के नाम से जानते हैं। ग्राफिकल मेथड को हम जानते हैं बेसल्स मेथड के नाम से, बेसल्स मेथड के नाम से। और ट्रायल एंड एरर मेथड को जानते हैं हम लेहमान्स रूल के साथ, लेहमान्स मेथड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब यही बात बोला गया कि ये हमारी किसकी है, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने की हमारी विधियां हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि टू पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई मैकेनिकल मेथड, सो दिस इज रॉन्ग, यानी कि हमारा कैसा है, गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा कैसा मिला हमें, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि थ्री पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई बेसल्स मेथड, बिल्कुल सही है। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम हमारी बेसल्स मेथड से सॉल्व होती है, और बेसल्स मेथड को ही हम ग्राफिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं इस मेथड को, ठीक है। आगे बोला गया है कि इन टू पॉइंट प्रॉब्लम ऑक्सिलरी स्टेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब जब हम टू पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऑक्सिलरी स्टेशन, ऑक्सिलरी स्टेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी हमें सहायक स्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको जब टू पॉइंट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो देखें हमारा कोई एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेल्पिंग स्टेशन लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमें हेल्पिंग स्टेशन की मदद से हमें किसकी, यानी कोई हमें ओरिएंटेड स्टेशन को हम लोकेट करते हैं। तो हमें ये बात सही है कि जब हम टू पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक ऑक्सिलरी स्टेशन, सहायक स्टेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमारे कौन कौन सही है, बी एंड सी इज़ करेक्ट। तो हमारा कौन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा कैसा है इसके अंदर करेक्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं लाइव, मात्र 19। उन्नीस जुड़ चुके हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 6, बताइए। चलो खैर, डेली कहना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, मैं जो बातें आपको बीच बीच में बोलता हूँ और लास्ट में भी बोलता हूँ मैं,
मैं लास्ट में सारी बातें इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका बीच में समय बर्बाद ना हो। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जब आपको वीडियो ये जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने ग्रुप में डाल सकते हैं और वीडियो को फेसबुक वगैरह पर शेयर कर सकते हैं वीडियो लिंक को। तो इन चीज़ों को आप हमारी एज ए सपोर्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों से ये होगा कि हमें बेनिफिट्स मिलेगा और हम आपको तो लगातार बेनिफिट दे ही रहे हैं पढ़ा के, क्वेश्चंस के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से। तो ये आपकी ड्यू करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखें आप आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखें बोला गया है एक सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर। देखें इसमें मैंने आज प्लेन टेबल के क्वेश्चन के साथ साथ कंटूर के क्वेश्चन भी इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। इस सीरीज ऑफ कल हमारी जो क्लास होगी वो प्योरली कंटूर पर बेस्ड होगी, पर हमारे आज प्लेन टेबल के क्वेश्चन कुछ कम थे तो इस वजह से मैंने इसमें कंटूर के क्वेश्चन हमने ऐड कर लिए हैं। बोला गया है सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर ऑफ ऑन ए मैप इंडिकेट्स, यानी हमारी एक सीरीज है क्लोज कंटूर की, वो क्या इंडिकेट करती है। तो देखें जरा अगर हम बात करें, अगर हम एक समिट पॉइंट की बात करते हैं हिल की, अगर हम बात करते हैं तो उसका हमारा क्या बनता है, क्लोज कंटूर हमारा इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यानी हमारा कैसा होता है, क्लोज कंटूर हमें देखने को इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं आउटर से इनर की तरफ हमारे क्या होते हैं आर एल हमारे इंक्रीज होते हैं। आर एल क्या होंगे हमारे, रिड्यूस लेवल हमारे इंक्रीज होते हैं, कब, आउटर से इनर पॉइंट की तरफ जाने पर। अगर हम बात करें डिप्रेशन पॉइंट की, यानी अगर हम बात करें एक वैली की, घाटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा कंटूर मैप हमारा बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, इसी तरीके से बनता है। तो लेकिन अगर हम बात करें इसके आर की, तो आउटर से इनर की ओर जाने पर हमारे जो आर एल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे घटते जाते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो हमसे यही बोला गया है कि एक सीरीज हमारी क्लोज कंटूर की, तो ये भी हमारी कैसी है, क्लोज कंटूर की सीरीज है। और दूसरा हमारा ये भी क्या है, क्लोज कंटूर की सीरीज है। तो ये दो हमारे क्लोज कंटूर की सीरीज है। पहली सीरीज हमारी किसकी हो गई, एक समिट पॉइंट की हो गई, दूसरी हमारी क्या हो गई, एक डिप्रेशन पॉइंट की हो गई, यानी वैली की हो गई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आइदर बी और सी हमारा दोनों में से कोई भी सेलेक्ट सही हो सकता है। कि क्लोज कंटूर यहाँ पर हमें क्लियरली ये नहीं बोला गया है कि जो कंटूर हैं उनके आर एल हमारे बढ़ते गए हैं या घटते गए हैं, तो ठीक है। तो अगर हम बात करें आउटर से इनर की तरफ जाने पर, अगर हिल के केस में अगर हम बात करते हैं, तो हिल के केस में हमारे आर एल इनर की तरफ यानी इन साइड की तरफ जाने पर, यानी सरकमफ्रेंस से हम सेंटर की ओर चलते हैं तो ये इंक्रीज होते जाते हैं, जबकि अगर सरकमफ्रेंस से सेंटर की ओर चलेंगे वैली के केस में तो उस केस में हमारे क्या होते हैं आर एल हमारे डिक्रीज होते हैं। लेकिन यहाँ पर आर एल कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आइदर बी और सी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर, यस। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से। वर्किंग एज ऑफ एन एलिडेट इज नोन एज, देखें हम प्लान टेबल स्टेशन में, प्लान टेबल सर्वे में अगर हम बात करें एलिडेट का, अगर हम फंक्शन की अगर हम बात करें तो एलिडेट हमारा क्या काम करता है। देखें एलिडेट हमारी एक इस तरह से एक हमारी पटरी होती है जिसके हमें दोनों सिरों पर क्या देखें वैन्स देखने को मिलती है, एक हमारी ऑब्जेक्ट वैन होती है, एक हमारी आई वैन होती है। इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट वैन और आई वैन देखने को मिलती है, और इसकी एक साइड हमारी कैसी होती है, ग्रेजुएटेड होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एज को हम क्या कहते हैं, इस एज को हम किस किस नाम से जानते हैं, इस एज को हम रूलिंग एज के नाम, रूलिंग एज के नाम से जानते हैं, रूलिंग एज के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसको हम फ्यूडिशियल एज के नाम से भी जानते हैं, फ्यूडिशियल एज के नाम से भी इसे हम जानते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसके साथ में हम क्या कह सकते हैं, वर्किंग एज के नाम से भी इसे हम जानते हैं, वर्किंग एज। तो देखें जरा हमारी ये वर्किंग एज है, तो अगर हम बात करें कि ये हमारी जो पूछा गया है कि जो वर्किंग एज है उसको हम किस किस नाम से जान सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्यूडिशियल एज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बाकी जो एबोनिक एज है, स्टेट एज है, ग्रेजुएटेड एज, इसमें से हमारा कोई भी एलिडेट से संबंधित नहीं है। अच्छा बात करते हैं एलिडेट का वर्क क्या है, एलिडेट का वर्क होता है हमारा टारगेट को बाइसेक्ट करके, यानी लाइन ऑफ साइट हम यहाँ से निकालते हैं और उसके बाद हम टारगेट को बाइसेक्ट करके हम प्लेन टेबल पर, यानी हम ऑब्जर्वेशन भी लेते हैं और साथ के साथ में हम क्या करते हैं प्लॉटिंग भी इसकी मदद से हम कर पाते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गई हमारी यहाँ तक, अब आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एन सब ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन अदर साइड ऑफ रिवर एंड इनएसेसिबल, ये इनएसेसिबल कैसा, एक साथ जुड़ा हुआ हमारा पॉइंट है, इनएसेसिबल एक साथ है, फ्रॉम प्लान टेबल स्टेशन कैन बी लोकेटेड बाई, मतलब हमसे बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रिवर के दूसरी ओर है और वो इनएसेसिबल है, यानी वहां तक हमारा पहुंचा नहीं जा सकता प्लान टेबल के द्वारा। तो आप कौन सा, आप प्लान टेबल किस तरीके से, कौन सा मेथड आप उसके लिए यूज़ करेंगे, तो देखें जरा यहाँ से आगे दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है कि प्लॉटिंग ऑफ इनएसेसिबल पॉइंट ऑफ ऑन ए प्लान टेबल इज डन बाई, कि जो इनएसेसिबल पॉइंट होते हैं यानी जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते दुर्गम बिंदुओं पर, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इनएसेसिबल मेथड के लिए
इनएसेसिबल डिस्टेंस पर अगर हमारे यानी दुर्गम बिंदुओं पर कोई अगर हमारा टारगेट होता है तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन मेथड हमारा कैसा है। रेडिएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम मैक्सिमम प्लॉटिंग कर सकते हैं और ओपन ग्राउंड इसके लिए होना चाहिए, सारे स्टेशन हमारे मेन सेंटर पॉइंट से दिखाई देने चाहिए, तब हम रेडिएशन मेथड का यूज़ करते हैं, यानी मैक्सिमम डिटेल लेने के लिए हम रेडिएशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पुअर फिक्स ऑफ द टेबल इज वैन। कल हमारा एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारा कल कि यानी द गुड फिक्स ऑफ प्लान टेबल, यानी हमारा जो कल हमने बात की थी गुड फिक्स के बारे में, आज हम बात करेंगे पुअर फिक्स के बारे में कि हम प्लान टेबल को पुअर फिक्स कब मानते हैं। तो देखें जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि एंगल सबस्टेंडेड इज लार्ज, यानी कोण का आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है द स्टेशन इज विद इन द ग्रेट ट्रायंगल, के स्टेशन हमारा ट्रायंगल ग्रेट ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है कि द स्टेशन इज नियर द ग्रेट सर्किल, के स्टेशन हमारा अगर ग्रेट सर्किल के पास में तब हमारा पुअर फिक्स होगा। और अगला हमारा एंगल सस्टेंडेड इज स्मॉल, के एंगल का आकार हमारा कैसा है, छोटा है। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो देखें जरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कल हमने बताया था थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, सपोज कीजिए यहाँ पर आप देखें जरा इसको, यहाँ पर समझते हैं। अगर हम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम की बात हम करें तो यहाँ पर देखें, एक कोई हमारा पॉइंट ये है, दूसरा कोई पॉइंट हमारा स्टेशन ये है, और तीसरा कोई पॉइंट हमारा ये है, और हम जिस स्टेशन को लोकेट करना चाहते हैं जहाँ पर हमने प्लान टेबल रख रही हुई है, तो ये हमारा कोई स्टेशन ए मान सकते हैं आप, इसको बी कह सकते हैं, इसको आप सी कह सकते हैं, और ये हमारा कोई स्टेशन टी है जिसको हमें फाइंड करना है, जिसे हमें ओरिएंटेड करना है। ठीक है, तो अगर इत्तेफाक से हमने जहाँ पर हमने प्लान टेबल यहाँ रखा है और यहाँ से एक सर्किल खींचा जाए और उस सर्किल पर ही हमारा क्या पड़ जाए, ये स्टेशन पड़ जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमने फिक्स किया है वो फिक्स कैसा है, पुअर फिक्स किया है। यानी कि अगर हमारा स्टेशन टी इस जो सर्किल है, इस सर्किल को क्या कहते हैं, मैंने कल बताया था ग्रेट सर्किल, इसका क्या नाम है हमारा, ग्रेट सर्किल। तो ग्रेट सर्किल के आसपास भी आप ग्रेट सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर अगर हमारा जो स्टेशन टी है वो पड़ता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो स्टेशन का हमने जो फिक्सिंग की है वो कैसी है, पुअर फिक्सिंग है। तो इसमें आप कौन सा आंसर लगाएंगे, बताइए आप कौन सा आंसर लगाएंगे इसमें, आप ऑप्शन सी, यस करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट, तो ऑप्शन इसमें हमें सही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से मैच करना है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है कि आप बताइए इसमें मैच करिए। इसमें हम अब देखो आने वाली जो हमारी सीरीज़ है, अगर सब कुछ अच्छा रहा, अच्छा रेस्पॉन्स रहा, अच्छे लाइव पर हमारे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं अगर लाइव, क्योंकि जब हम इतना ये क्वेश्चन की सीरीज़ हम जो लेके आ रहे हैं वो ऐसी सीरीज़ है जिनसे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम, यानी कि आप जेई लेवल का, किसी भी स्टेट का, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, और जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आप कभी भी ऐसा नहीं पाएंगे कि आप जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे कि वो क्वेश्चन जो वहाँ पर है वो कोई आपको इस तरीके से फील नहीं होगा, क्वेश्चन एकदम नया है आपके लिए, कोई क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होगा। आप हर क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बारे में भी आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हर ऑप्शन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारा लाइव पर हमारे धीरे धीरे, शायद ही हमारा 11वां लेक्चर है तो ये रेस्पॉन्स बढ़ना चाहिए। देखिए लाइव ज़्यादा होते हैं और लाइक्स कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि स्टूडेंट्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, जबकि हम अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है। चलिए आगे देखें, क्योंकि जब तक अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, रेस्पॉन्स अच्छा ना होने पर हम फिर दूसरा कोई रास्ता सेलेक्ट करते हैं, यानी हम किसी अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखें जरा ध्यान देंगे, अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए, देखें कंटूर के बारे में अगर हम बात करें, अब हम पढ़ेंगे लिस्ट सेकंड को पढ़ते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, यानी ऐसी रेखा जो हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाती है, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो हमारा डी का क्या हुआ ऑप्शन, डी का हमारा है फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सी के बारे में, यानी हम बात करते हैं नेक्स्ट टू हमारा कौन सा, देखो लाइन ज्वाइनिंग सब्सिडायरी स्टेशन ऑन मेन लाइन, यानी जब हम चैन सर्वे करते हैं, तो जब हम चैन सर्वे करते हैं तो हमारी जो मेन लाइन है उस मेन लाइन पर अगर कोई हमारे स्टेशन हम डाल लेते हैं, देखिए मेन लाइन पर जो हमारे ये कॉर्नर पॉइंट हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेन स्टेशन कहते हैं। मान लीजिए हमारा ये ए है, ये बी है
और ये हमारा सी और ये हमारा डी है। तो इसके बीच में अगर कोई स्टेशन मान लीजिए टी है और यहाँ पर कोई स्टेशन हमारा टी है, तो इनको जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे टाई स्टेशन हैं, तो इनको हम सब्सिडियरी स्टेशन भी कहते हैं, यानी जिन्हें हम उप स्टेशन कहते हैं। और इनको उप स्टेशनों को जोड़ने वाली यानी टाई स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, टाई लाइन के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड है, वो सेकंड हमारा उसके लिए कौन सा सही है, यानी टाई लाइन के लिए हमारा सही है ऑप्शन नंबर टू, यानी सी का हमें सी का कौन सा देखने को मिला, सी का हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिला सही। अब बात करते हैं लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन, यानी कि जो हमारे सेम एलिवेशन यानी समान ऊंचाई वाले जो बिंदु हैं उनको मिलाने वाले पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, तो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, हम कंटूर लाइन के नाम से उन्हें हम जानते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस वायर, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये हमारे सारे ऑप्शन समझ में आए कैसे कैसे हमने किए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, टैन टेबल देखें जरा ध्यान से, ये पिछला क्वेश्चन समझ में आया, यस 3421। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को लिए जरा देखें, द फिक्स ऑफ प्लेन टेबल विथ थ्री नोन पॉइंट्स इज जेड, बोला गया है कि हमारा जो फिक्स कर रहे हैं हम प्लेन टेबल तीन पॉइंट यानी थ्री पॉइंट प्रॉब्लम पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में प्लेन टेबल का फिक्स जो है वो बेड कहलाएगा। बेड कब कहलाएगा, जब हमारा प्लेन टेबल कैसा, प्लेन टेबल का स्टेशन कैसा हो। तो देखें जरा, आउटसाइड ऑफ द ग्रेट ट्रायंगल, अभी अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में पूरा, आउटसाइड ऑफ द ग्रेट ट्रायंगल, ग्रेट ट्रायंगल की तो बात ही हमें नहीं करनी है, इन द ग्रेट ट्रायंगल, मैंने कहा ग्रेट ट्रायंगल की हमें बात ही नहीं करनी है, हमें बात करनी है ग्रेट सर्किल की। तो यहाँ पर बोला गया ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, यानी कि जो हमारा वृत्त वहाँ पर बनता है, मैंने बताया ना यहाँ पर कोई हमारा एक स्टेशन है, यहाँ पर कोई हमारा स्टेशन है, यहाँ पर कोई स्टेशन है, और इतफाक से हम यहाँ पर स्टेशन रख रहे हैं, यानी हम प्लेन टेबल रख रहे हैं, तुम्हारा कोई स्टेशन ए है, यहाँ पर बी है, स्टेशन सी है, और ये हमारा स्टेशन टी है। तो इतफाक से हमारा स्टेशन टी हमने इस तरीके से सेट कर दिया है, इस तरीके से सेट हो गया है कि यहाँ पर बनने वाला जो सर्किल है उन सभी पॉइंट यानी हमारे स्टेशनों के जो ए बी सी स्टेशन है इनसे भी होता हुआ जा रहा है, और उसी स्टेशन पर जो सर्किल बन रहा है इनसे जाते हुए उसी पर हमारा स्टेशन टी जो क्या है आ जाए। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो टी स्टेशन है इसकी हम ओरिएंटेशन कभी भी फिक्स तरीके से हम पता नहीं कर पाएंगे, यानी स्टेशन टी की एग्जैक्ट स्थिति लगाना यहाँ पर इम्पॉसिबल होता है। तो उस केस में हम कहते हैं कि जो प्लेन टेबल की फिक्सिंग है वो कैसी है, बैड है। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, व्हेन कंपेयर्ड विद चैन सर्वेइंग प्लेन टेबल, हमसे बोला गया है कि अगर हम बात करें चैन सर्वेयर यानी कंपेयर, व्हेन कंपेयर विद चैन सर्वे प्लेन टेबल इज, कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्लेन टेबल और उसका, प्लेन टेबल और चैन सर्वे का, तो इसमें से हमारा कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जरा बताइए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन देखें जरा और बताएं, ऑप्शन देखें और बताएं इसमें कौन सा सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बताइए, ए ऑप्शन लेस एक्यूरेट, यानी प्लेन टेबल हमारा लेस एक्यूरेट है। चलिए देखते हैं, देखें मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, अधूरा है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ मेंशन करना चाहिए, और वो क्या, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी मोर एक्यूरेट, ऑप्शन बी, चलो देखते हैं, देखें जरा ध्यान से, मैं आपको कुछ पहले बताता हूँ इसके बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में पहले हम कुछ सीखते हैं, देखें जरा प्लेन टेबल और एक तरफ लिख लेते हैं हम, प्लेन टेबल एक तरफ लिख लेते हैं हम चैन, देखें चैन सर्वे सूटेबल, यानी चैन सर्वे कब सूटेबल है, ध्यान देंगे जरा यहाँ पर, चैन सर्वे अगर हम देखें यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस का बीच में कर रहे हैं, देखें कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस का, चैन सर्वे का और प्लेन टेबल का, ध्यान देंगे, इधर हमारा चैन सर्वे है और इधर हमारा प्लेन टेबल सर्वे है। तो देखें जरा ध्यान से, चैन सर्वे की अगर हम बात करें तो ये कब सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी सूटेबल कब है,
तो चैन सर्वे इज सूटेबल फॉर लार्ज स्केल सर, यानी अगर हम लार्ज स्केल पर वर्क कर रहे हैं, लार्ज स्केल का मैंने कल मतलब क्या बताया था, लार्ज स्केल का मतलब होता है स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी स्मॉल प्रोजेक्ट पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तब हमारा चैन सर्वे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, प्लान टेबल सर्वे के बारे में, तो ये हमारा स्मॉल स्केल के लिए हमारा ये ठीक है। यानी अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों का कंपेरिजन करें, यहाँ पर आपको प्लान टेबल की बाकी थ्योरी सामने लानी है। आप तो ये भी कहेंगे सर हम लार्ज स्केल के लिए भी प्लान टेबल यूज करते हैं, करते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम कंपेरेटिवली अगर हम बात करें कौन सा ज़्यादा किसको सूट करता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉल स्केल के लिए। स्मॉल स्केल का मतलब है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, यानी जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करना हो तब हम क्या करते हैं, प्लान टेबल सर्वे यूज करते हैं और वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करवाता है, ठीक है। दूसरा, और हम दूसरे ऑप्शन पर अगर हम बात करें, देखें अभी हो गई हमारी स्केल के अकॉर्डिंग, अगर हम दूसरे ऑप्शन पर बात करें, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पर अगर हम बात करें कि अगर हमारा ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड के नेचर पर भी अगर हम बात करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैट ग्राउंड के बारे में, तो फ्लैट ग्राउंड के बारे में अगर आप बात करें तो फ्लैट ग्राउंड पर हमारा चैन सर्वे इज बेटर देन प्लान टेबल सर्वे। यानी फ्लैट ग्राउंड पर अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, बेटर, यानी चैन सर्वे से ये बेटर है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अंडुलेटिंग ग्राउंड के लिए, कैसे अंडुलेटिंग, यानी जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, अंडुलेटिंग ग्राउंड के लिए अगर हम बात करें, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा बेटर है, प्लान टेबल सर्वे इज बेटर देन चैन सर्वे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि किस टाइप का ग्राउंड के लिए बात कर रहा है। यानी हमें जो कंपेरिजन किया है, अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि चैन सर्वे बिल्कुल ही बेकार है उसके कंपेरिजन में प्लान टेबल सर्वे के। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कुछ जो है वो ऐड करना होगा इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी देखें ज़रा, यहाँ पर हमें ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन में मैं एडिटिंग कर रहा हूं, और एडिटिंग ये है कि व्हेन कंपेयर्ड विद चैन सर्वे अकॉर्डिंग टू स्केल, देखें जरा यहां पर अकॉर्डिंग टू, यहां पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लार्ज स्केल, अकॉर्डिंग टू लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तब हम बात कर रहे हैं प्लान टेबल इज, तब हमारा प्लान टेबल क्या है, एक तो लार्ज स्केल के हमारा कौन सा होता है, प्लान टेबल इज लेस एक्यूरेट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, तब हमें इसका आंसर लेस एक्यूरेट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल पर तो आंसर होता है हमारा मोर एक्यूरेट, क्लियर है। तो ये ऑप्शन जो है मैंने जो लगाया है वो कुछ एडिटिंग करके लगाया, वो हमारा सही होगा, ठीक है। अगर हम आंसर सी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आंसर सी करने के लिए हमें ये देना होगा कि जो स्मॉल स्केल के लिए हमारा प्लान टेबल क्या है, मोर एक्यूरेट है, यानी कि व्हेन कंपेयर टू विद द चैन सर्वेइंग प्लान टेबल इज मोर एक्यूरेट का व्हेन वी आर वर्किंग ऑन स्मॉल स्केल, यानी जब हम स्मॉल स्केल पर वर्क कर रहे हैं। तो जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही मानेंगे, अगर हम इस लार्ज स्केल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ऑप्शन ए सही होगा, और अगर हम स्मॉल स्केल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ऑप्शन हमारा सी इसमें सही देखने को मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए, कार्तिक मथनकर, थैंक यू। चलिए देखें जरा आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें जरा। यहाँ पर इसमें बताना है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस, देखें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा भी है, और इसमें आपको चार ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, देख लें और जरा बताएं। इसका आंसर बताएं, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कि आइसो हाइट्स लाइन क्या होती हैं, कोई बता पाएगा आइसो हाइट्स लाइंस किसे कहते हैं, आइसो हाइट्स लाइन के बारे में कौन बताएगा, जरा बताएं आइसो हाइट्स लाइन के बारे में बताएं। आंसर सही है आपका, पर आप आइसो हाइट्स लाइन के बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं आइसो हाइट्स लाइन क्या है। समान हाइट वाली, इक्वल प्रेसिपिटेशन, यस रोशन सिंह यू आर राइट। यानी कि देखें जहाँ पर हमारी, देखें जरा यहाँ पर आइसो हाइट्स लाइन कौन सी होती हैं,
यानी समान भरे इक्वल प्रेसिपिटेशन को जोड़ने वाले, यानी ऐसे स्थान इक्वल प्रेसिपिटेशन, इसको इक्वल प्रेसिपिटेशन यहाँ पर आप लिख लेंगे इक्वल प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये है कि समान वर्षा वाले स्थान, यानी समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली लाइन, वाले स्थानों को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वल प्रेसिपिटेशन वाले जोड़ने वाली लाइनों को हम क्या कहते हैं, आइसोहाइट्स लाइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइसोगोनिक लाइन किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जो हमारी सेम डिक्लिनेशन को जोड़ती हैं, सेम डिक्लिनेशन, कौन सी सेम डिक्लिनेशन, समान दिक्पात को जोड़ने वाली रेखाएं, सेम डिक्लिनेशन पॉइंट। अगर हम बात करें एगोनिक लाइन के बारे में तो क्या होती है, हमारी जीरो डिक्लिनेशन को जोड़ने वाली रेखाएं हमारी क्या कहलाती है, जीरो डिक्लिनेशन को जोड़, यानी ऐसे स्थान जहां पर हमें जीरो डिक्लिनेशन देखने को मिलता है उनको हम क्या कहते हैं, एगोनिक लाइन कहते हैं। ठीक है, जबकि हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्लियर है क्वेश्चन पूरी तरीके से, बिल्कुल गुरविंदर जी सही है आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताएंगे, कंटूर लाइन का दूसरा नाम बताइए, कंटूर लाइन को हम आइसोहाइप लाइन भी कहते हैं, आइसोहाइप्स लाइन, आइसोहाइप्स लाइन भी कहते हैं, यानी ऐसी रेखाएं जहां पर हमारे इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, आइसोहाइप्स लाइन भी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रिगार्डिंग प्लेन टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू, यानी हमें प्लेन टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही नहीं है, प्लेन टेबल में कौन सा हमें डज नॉट होल्ड ट्रू, यानी जो गलत है वो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखें जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखें, इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे, यानी हमारा स्मॉल स्केल के लिए हमारा ठीक है, बिल्कुल सही है। लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट आर रिक्वायर्ड, यानी प्लान टेबल में हमें कम कंट्रोल पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कल या कल की क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कंटूरिंग करते हैं तो कंटूरिंग के लिए हमारा 50-60% ही हमारे जो इसके अंदर टारगेट पॉइंट्स होते हैं वो हमें जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन ऑफ थियोडोलाइट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्लान टेबल सर्वे से अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें कम कंट्रोल पॉइंट्स की कम कंट्रोल पॉइंट्स के में रिक्वायरमेंट होती है। चलिए आगे देखेंगे ऑप्शन सी कि ऑल द प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूरिंग कैन बी डन इन द फील्ड, बोल रहा है कि हमें क्या कहें, जो प्लॉटिंग का वर्क है वो हमारा कंटूरिंग को इंक्लूड करके ये सारा काम हम फील्ड में अपना लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ये बोला गया है इट कैन बी डन इन ऑल सीजन, कह रहा है कि ऑल सीजन के लिए, तो ये हमारा कैसा है, गलत है, क्योंकि रेनी सीजन में ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, रेनी सीजन में अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है, जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा वुडन एरिया होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा घने जंगलों वाला एरिया होता है, वहाँ पर भी हमारा, यानी वुडन एरिया में भी हमारा ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है प्लान टेबल। ठीक है, वुडन एरिया में भी हमारा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये हमारी क्या है, इसके डीमेरिट्स में से एक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, यस रेन इज़ नॉट अलाउड, सिविल अड्डा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आगे बोला गया है कि प्लान टेबल इज मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्वेइंग, यानी प्लान टेबल मोस्ट सूटेबल कब है, मैंने अभी अभी बताया आपको प्लान टेबल हमारा मोस्ट सूटेबल कब होता है, जब हम स्मॉल स्केल पर वर्क करते हैं, लेकिन स्मॉल लार्ज स्केल पर वर्क करने के लिए ये हमारा सूटेबल नहीं है प्लान टेबल। ठीक है, लार्ज स्केल पर देखिए, अभी मैंने बताया कि हम लार्ज स्केल पर वर्क अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि इसमें हम वर्क कर नहीं सकते, पर बात होती है ना एक सूटेबिलिटी की, यानी कोई चीज़ किसके लिए ज़्यादा सूट कर रही है, तो उसमें हम बात करेंगे कि लार्ज स्केल के लिए हमारा ये सूटेबल नहीं है, लेकिन स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए हमारा ये सूटेबल होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वन एंड सेकेंड इज करेक्ट। क्लियर है, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन प्लान टेबल सर्वे द एरर ड्यू टू सेंटरिंग शुड नॉट एक्सीड द स्केल डिवाइडेड बाई, इसमें हमसे बोला गया है कि प्लान टेबल सर्वे में जो हमारी एरर होती है सेंटरिंग में वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक आपने फार्मूला देखा होगा ई इक्वल टू, देखें जरा यहाँ पर इसके लिए आंसर बताएं पहले, चलो फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका, 40, बिल्कुल सही है। देखें जरा अगर हम बात करें सेंटरिंग में, जब हम देखें मैंने आपको बताया था कि जब सेंटरिंग हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी एक हर एक के लिए एक परमिसेबल लिमिट होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि E बराबर के अपॉन 40, यानी आप कह सकते हैं स्केल अपॉन 40, यानी जो हमारा स्केल है उसका 40 टाइम्स डिवाइड कर दें, उससे ज़्यादा हमारी एरर नहीं होनी चाहिए, तो आंसर होगा इसमें हमारा B। ठीक है, आप सबको पता था ये, गुड। आगे देखें नेक्स्ट, प्लान टेबल
में से कौन सा फायदा नहीं है, यानी प्लेन टेबल में इसमें हमारा कौन सा फायदा नहीं होगा, तो देखें जरा यहाँ पर कौन सा फायदा नहीं है। प्लेन टेबल ज़्यादा तेज़ी से कम कीमत में काम होता है, बिल्कुल सही है। ये हमें क्या देखना है, देखें जरा क्वेश्चन पढ़ लें कि प्लेन टेबल में से निम्न में से कौन सा फायदा नहीं है। तो देखें जरा यहाँ पर पहला फायदा देखते हैं इसका, ये फायदा है या नहीं, प्लेन टेबल सर्वे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है कम कीमत में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर टू कह रहा है कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंटूर और विशेष जगहों को दिखाना जांच करना अच्छी तरीके से होता है क्योंकि प्लॉट करते वक्त संपूर्ण जगह निगाह, यानी ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारी प्लॉटिंग एंड ऑब्जर्वेशन दोनों एक साथ होती है, और कोई रीडिंग अगर हमारी प्लॉटिंग एंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है एक साथ होती है, और इसमें अगर कोई रीडिंग हमारी मिक्स होती है मिस हो जाती है तो उस केस में हम उस रीडिंग को तुरंत वहाँ पर फील्ड में ही ले सकते हैं क्योंकि हमारा टोटल एरिया जो है निगाह में है, निगाह मतलब हम टोटल एरिया को क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है हमारा कि लार्ज स्केल मैप के लिए फील्ड में डिटेल्स की स्थिति और कंटूरिंग के लिए भी उपयुक्त है, तो कंटूरिंग के लिए उपयुक्त है, मैंने कहा ना लार्ज स्केल पर ही वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें सूटेबिलिटी के लिए तो वो स्मॉल स्केल के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तीसरा हमारा है कि प्लेन टेबल को खराब यानी खराब मौसम में सरलता से प्रयोग किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि प्लेन टेबल को खराब मौसम में भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर इज कैसा है, ऑप्शन नंबर फोर कैसा है हमारा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, कौन सा सही नहीं था, कौन सा फायदा नहीं है हमें कि खराब मौसम में इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ प्लेन टेबल, इनमें से आपको कौन सा प्लेन टेबल का मैथड नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ प्लेन टेबल, तो प्लेन टेबल के हमारे कौन कौन से मैथड हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग और रीसेक्शन, तो कौन सा नहीं है मैथड हमारा ओरिएंटेशन, हमें मैथड नहीं है, ओरिएंटेशन क्या है एक प्रोसेस है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, द मैथड ऑफ सर्वे इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, यानी ऐसा सर्वे कौन सा है जिसमें हम प्लॉटिंग और फील्ड वर्क का यानी ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग का दोनों का वर्क हम साथ साथ कर सकते हैं, तो ऐसा हमारा कौन सा मेथड है, प्लेन टेबल सर्वे ही हमारा होता है ऐसा, ठीक है, प्लेन टेबल पढ़ रहे हैं तो आंसर ही प्लेन टेबल ही होगा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन हमारे प्लेन टेबल के चल रहे हैं तो ये आसानी से इस क्वेश्चन को देख के जरा आंसर बताएंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन को देख के जरा आंसर बताएं, क्वेश्चन देखें इसका और आंसर करेंगे सभी, पढ़िए आराम से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लायक है। चलिए कोई आंसर कर पा रहा है इसका, सी बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करें, प्रदीप मंडल सही है आंसर। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें जरा, इस क्वेश्चन को देखें, मैं जब वीडियो देखता हूँ लास्ट में तो देख पाता हूँ कि इसमें जो एवरेज वॉच टाइम है वो उससे ही पता चलता है कि आप रेगुलर वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं देख के चले जाते हैं, अगर आप रेगुलर वॉच करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करें कोई, 2341 2341 2341, चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखें जरा ध्यान से, बोला गया है वर्टिकल पहले हम पढ़ते हैं और हम लिस्ट सेकंड पढ़ेंगे, उसको हम वन से मैच करेंगे, तो देखें जरा कंटूर लाइंस ऑफ, पहला ऑप्शन कह रहा है कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनिट ए फॉर्म वन लाइन, बोला गया है कि कंटूर लाइन हमारे जो डिफरेंट है वो हमारी इस तरीके से मिलती है, देखा जाए ध्यान से यहाँ पर इस तरीके से मिलती हैं ऐसी, ऐसा कंटूर हमारा कब बनता है इस टाइप का, यानी एक पॉइंट पर अगर मिलती हैं तो ऐसा होता है, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो तो उसमें मैंने जब वर्टिकल क्लिफ पढ़ाई थी तो वर्टिकल क्लिफ में हमें ऐसा देखने को मिलता है, तो बोला गया कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनिट ए फॉर्म वन लाइन, यानी हमारी एक वन लाइन को एक एक सिंगल पॉइंट पर आके यहाँ पर हमारी एक वन लाइन में आके मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्टिकल क्लिफ, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं, अभी और आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और आगे, और हमारे देख कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर, यानी जब हम बात करते हैं एक ओवर हैंगिंग क्लिफ की
तो ओवर हैंगिंग क्लिफ में जो हमारे डायग्राम बनता है, तो वो हमारा जो हमारा डायग्राम बनता है वो हमारा किस तरीके का होता है, तो उसमें हम बात करते हैं हमारे कंटूर इस तरीके से कट करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इसका जो हमारा डी का कन्फर्म हमारा कौन सा है, सेकेंड सही है, डी का हमारा कौन सा सही है, सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं, कंटूर लाइन आर क्लोजली स्पेस्ड, यानी हमारी जो कंटूर लाइन है बहुत पास पास है, यानी कुछ इस तरीके से हैं, बहुत पास पास हैं। तो ऐसा कब होता है, जो हमारा स्टीप स्लोप होता है तब, यानी कि बी का हमें थर्ड देखने को मिला। अगला हमारा क्लोज कंटूर गिव, क्लोज कंटूर लाइंस गिव विद हायर वैल्यू इनसाइड, यानी हमसे बोला गया है कि सपोज कीजिए हमारा ये 100 का RL है, फिर उसके बाद में हमारा ये 111 का RL है, और उसके अंदर का हमारा जो एक और कंटूर है वो हमारा 112 का है, 112 यानी हमारा क्या है जो आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं तो कंटूर बढ़ रहे हैं, तो ये किसका हमारा, ये हिल का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हिल का हमें देखने को मिला, चलिए ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्टिकल क्लिफ के बारे में, तो हमारा ऑप्शन नंबर कैसा है, ए सही है, जो हम अनुमान लगा रहे थे बिल्कुल बात हमारी सही है। तो ऑप्शन यानी हमारे कैसे सही हुए, ए का हमारा सही था, ए का था फर्स्ट सही, बी का सही था हमारा कौन सा, बी का हमारा सही था, बी का ऑप्शन नंबर 3 सही है। और अगर हम बात करें सी के बारे में, तो सी का हमारा ठीक था, सी का ऑप्शन नंबर 2 और सी का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हिल क्लोज कंटूर वाला ठीक है। और अगर हम बात करें ओवर हैंगिंग क्लिफ का, तो हमारा यानी कि डी का ऑप्शन था 2। तो ये हमारी सीरीज थी, किसका सही था बताइए जरा, किसका सही था, 1, 3, 2, 4। अब चेंज हो गया, अभी कुछ और बता रहे थे, ए का फर्स्ट 100% किसका सही था, सही बताइए काजल रजाक तुम्हारा सही था, चलिए गुड ठीक है। और किसका सही था, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है देखें, यस सर ठीक है चलो, सक्षम पारधी तुम्हारा सही था ठीक है गुड, चले देखें आगे ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से देखें, एट व्हाट एंगल डज ए रिज लाइन इंटरसेक्ट कंटूर, यानी कि हमारी जो रिज लाइन होती है वो कंटूर को, यानी अगर सपोज कीजिए कोई हमारी एक पहाड़ी है, देखें जरा यहाँ पर मैं एक पहाड़ी का डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारी कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर पहले तो हम ये समझेंगे रिज लाइन किसे कहते हैं, तो देखें जरा ऐसी लाइन यानी रिज लाइन ऐसी लाइन होती है जो हमारे सबसे हाईएस्ट पॉइंट को मिलाते हुए जाती है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रिज लाइन कहते हैं। तो अब रिज लाइन हमारी कंटूर को कितने डिग्री पर काटती है, तो एग्जैक्ट कितने डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर, तो ऑप्शन कौन सा हमारा ये सही होगा ठीक है। चलिए आसान सवाल था, समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है, राइट आंसर ए। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि द मेथड यूजली अडॉप्ट टू कंटूर ए रफ कंट्री वेयर ऑर्डिनरी लेबलिंग इज टीडियस एंड चेनिंग इज स्लो एंड इनएक्यूरेट, हमसे बोला गया है कि द मेथड यूजली अडॉप्ट टू कंटूरिंग ए रफ कंट्री, यानी कि जब हम एक रफ कंट्री का मतलब ये है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई अंडुलेटिंग ज़मीन है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, रफ एक कोई एरिया है, तो वहाँ पर अगर हम कंटूरिंग कर रहे हैं तो वेयर ऑर्डिनरी लेबलिंग, जहाँ पर हमारी लेबलिंग बहुत ही टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, टीडियस का मतलब क्या है, हम थक जा रहे हैं लेबलिंग करने पर, और चेनिंग बहुत स्लो हो रही है वहाँ पर और इनएक्यूरेट भी हो रही है, तब आप कौन से क्या यूज़ करेंगे, तब आप कौन सा यूज़ करेंगे इसके लिए, यानी समस्या को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं इसमें बताइए, थियोडोलाइट से क्या हम लेबलिंग नहीं कर पाते, पहले ही बोल दिया कि लेबलिंग इज टीडियस, धैर्य प्रताप जी यस, सक्षम पारदी सही आंसर है, अभिषेक दुबे राइट आंसर, ऑप्शन अश्वनी तिवारी सही आंसर, बिल्कुल हम टैकोमीट्री करते हैं। देखें जब भी आपसे बोलता है ना, जब भी आपसे बोले रफ ग्राउंड के बारे में आपको बात करे, यही देखें रफ ग्राउंड के बारे में बात करें या फिर अंडुलेटिंग ग्राउंड के बारे में बात करें, अंडुलेटिंग ग्राउंड का मतलब है लहरियादार ज़मीन, अंडुलेटिंग ग्राउंड के बारे में बात करता है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, टैकोमीट्री मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि रफ ग्राउंड के लिए, रफ कंट्रीज़ के लिए, रफ एरिया के लिए हमारा टैकोमीट्री मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल इन कंपेरिजन ऑफ अदर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
इसको देखेंगे द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली। हमसे बोला गया है कि फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क दोनों हम एक साथ कर पाते हैं, तो कौन सा हमारा है प्लान टेबल होता है। ये ऑप्शन रिपीट हो गया, ठीक है, दो बार आ गया ये क्वेश्चन। अगला देखेंगे इन मेथड ऑफ प्लान टेबल सर्वे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राउंड मेजरमेंट्स आर, यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है प्लान टेबल सर्वे में जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर्स का मतलब यहां पर आप मैक्सिमम डिटेल ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेल्स ले सकते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है हमारा रेडिएशन मेथड, के बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो ये बहुत आसान था, ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ओरिएंटेशन ऑफ प्लान टेबल बाई सॉल्विंग टू पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्ट व्हेन। देखें जरा इस क्वेश्चन को, आप देखें जरा और आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को देखें, ओरिएंटेशन ऑफ प्लान टेबल बाय सॉल्विंग टू पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्टेड व्हेन, ओनली व्हेन। हमसे बोला गया है कि ओरिएंटेशन ऑफ प्लान टेबल बाय सॉल्विंग टू पॉइंट प्रॉब्लम, यानी टू पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कब ओरिएंटेशन कब अडॉप्ट करते हैं, इसमें बताना है। देखें जरा यहाँ पर ऑप्शन, देखें जरा ध्यान से देखेंगे जरा, ओरिएंटेशन ऑफ प्लान टेबल बाय सॉल्विंग टू पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्टेड ओनली व्हेन, यानी कब अडॉप्ट करते हैं हम टू पॉइंट प्रॉब्लम से, यानी कि ध्यान देंगे जरा इस क्वेश्चन को समझें। इसका मतलब ये है कि टू पॉइंट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं और उसके मदद से आप कोई ओरिएंटेड स्टेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो ऐसा आप कब करेंगे, जब आपको टाइम सेव करना होगा तब, जब आपको बेटर एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी तब, या जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हमारे इनएसेसिबल हैं तब। इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। सी ऑप्शन, कोई एक्सप्लेनेशन दे जरा इसका, छोटा सा आप इसमें टाइप करके बताएं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप टाइप करके बताएं कि आपने सी ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया। फागुनी यादव, आंसर इज राइट, आंसर सही है, पर क्यों है उसको आप बताना है। आंसर सही है पर क्यों है वो बताइए। आपको ही बताना आपने आंसर सी क्यों लगाया, कल मैंने इसका जवाब दिया था, बताइए। कोई बता सकता है रीजन, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, लक्ष्मण सिंह ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी ठीक है। प्रमोद प्रताप मौर्य, आंसर सही है आपका, लेकिन आप मुझे ये बताइए कोई एक्सप्लेनेशन दे पाएगा। देखें जरा मैं देता हूँ, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ सब्सिडरी स्टेशन हेयर, ठीक है, ये तो बात सही होगी, लेकिन इस टॉपिक पर अपने विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंट वी कैन लोकेट थर्ड अननोन पॉइंट, नॉट लेबोरियस लेस। देखें ध्यान देंगे जरा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, वो क्या थी, कल आपको मैंने आपको टू पॉइंट प्रॉब्लम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के बारे में जब मैंने आपको कंपैरिजन कराया था, तो मैंने आप बताया था कि जो टू पॉइंट प्रॉब्लम है वो कभी भी समय को बचाती नहीं है, यानी कि हमारे समय को बचाती नहीं है, एक हमारा हार्ड मेथड है। टू पॉइंट प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो समय को बचाता नहीं है, पहला ऑप्शन गलत यहाँ से हो गया था। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम हमारा फास्ट है, मोर एक्यूरेट है, मोर यूजफुल है, ईजी है, लेस लेबोरियस है, तो इतनी सारी चीज़ हमारी थ्री पॉइंट प्रॉब्लम है, यानी अगर हम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम से ओरिएंटेशन करते हैं किसी स्टेशन का वो ज़्यादा आसान पड़ता है और सरल भी है। लेकिन अगर हम बात करें बेटर एक्यूरेसी की भी, अगर हम बात करते हैं तो बेटर एक्यूरेसी भी हमारी टू पॉइंट प्रॉब्लम में नहीं आती है, हमारी बेटर एक्यूरेसी भी मैंने बताया ना मोर एक्यूरेट, तो हमारा जो थ्री पॉइंट प्रॉब्लम से अगर हम किसी स्टेशन का ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो वहाँ हमारी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, जबकि अगर हम टू पॉइंट प्रॉब्लम से अगर हम किसी स्टेशन का ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो एक्यूरेसी नहीं आती, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो हमारा सी है वो इसमें हमारा करेक्ट है। तो ये दो मैंने इसके बारे में बताया था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बारे में बताओ कि ये हमारे गलत क्यों हुए, तो इसमें हमारा कौन सा होगा कि ये टाइम को सेव नहीं करता है, हार्ड मेथड है, टीडियस है, थका हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इसमें और एक्यूरेसी नहीं आती है, लेकिन थ्री पॉइंट प्रॉब्लम हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, यूजफुल है, ईजी है, कम थका हुआ है, ज़्यादा जल्दी से वर्क करता है, ठीक है, तो ये हमारी सारा इस एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, चलिए बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे जरा, अगला बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वाइल सर्वेइंग ए प्लॉट ऑफ लैंड बाई प्लान टेबल द फील्ड ऑब्जर्वेशन। ये बुलाया गया कि जब हम सर्वेइंग कर रहे हैं किसी लैंड की प्लान टेबल सर्वे में, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर प्रोसीड साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लान टेबल का रूल ही है, ये तो बहुत आसान सवाल था, बस अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो ये हमारी थी आज की क्लास, इसमें हमने बात की इसके बारे में। चलिए देखें, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना है ये, कि मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर आपको ये बताना है, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि प्लान टेबल में टेम्परेरी यानी सेटिंग अप ऑफ प्लान टेबल का सीरीज बताएं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये है, सेटिंग अप ऑफ प्लान टेबल, सेटिंग अप द प्लान टेबल में, सेटिंग अप द प्लान टेबल में, यानी तीन प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा, नंबर वन यानी कि ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, दूसरा हमारा है, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको लेबलिंग, तीसरा ऑप्शन है सेंटरिंग। तो करेक्ट सीक्वेंस में मिलाइए इसको, करेक्ट सीक्वेंस में मिलाएं, इसका करेक्ट सीक्वेंस दें मुझे, बताइए। करेक्ट सीक्वेंस दें इसका क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस कोई बता पाएगा, मैं देख रहा हूं करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, बताइए। 231 सिविल ड्रीम सही है, सक्षम पारदी ये गलत है आपका, 231 231 इज राइट, लेबलिंग सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन इज राइट। सबसे पहले लेबलिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये थी आज की क्लास, कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। कल मिलेंगे कंटूर चैप्टर के साथ। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस का क्लियरली फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आप फ़ोटो भेज सकते हैं। जैसे कल मैं कंटूर सॉल्व कराऊंगा, तो आप कंटूर का कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको लगता हो उसको आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। दिनेश चौहान राइट आंसर लेबलिंग सेंटरिंग ओरिएंटिंग, ठीक है। अगर आपसे जैसे मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा कंटूर के, तो अगर आपके पास कंटूर का कोई डाउट रहता है ना तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके हमारा सहयोग करें, ये बात मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये आपको करना ही है। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट से लें, चैनल में जब जाएंगे आप तो आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, वही नंबर में वहाँ पर आप मुझे कल कंटूर का, सिर्फ कंटूर का भेजेंगे तो ही मैं इसको पीडीएफ में ऐड करूँगा। और एक अच्छा स्क्रीनशॉट आप ले गए, यानी क्वेश्चन क्वेश्चन का एक पूरा एक अच्छी तरीके से वो होना, अच्छी तरीके से वो इमेज क्लियर चमकनी चाहिए, ठीक है। चलिए व्हाट्सएप नंबर, अरे व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया ना, ये लो व्हाट्सएप नंबर देख लो, लिख लो सभी लोग व्हाट्सएप नंबर 96, केवल व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं आती इस पर, इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद है, रिचार्ज नहीं है इसमें, ठीक है। ये नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू पागल मुंडा, आज बहुत बाद में आए पागल मुंडा, तुम्हारा असली नाम क्या है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। चलिए ठीक है, मिलते हैं, जिनके पास क्वेश्चन हो आप भेज देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हमारे साथ लगे रहते हैं आप, धन्यवाद इसके लिए, बाय, गुड नाइट।